बच्चों चलते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर स्पोर्ट मेटेरियल में से मैंने लिया है और अब हम ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। और यहाँ पर बच्चों देखिए 39 क्वेश्चन क्या कहता है। सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्क्वेयर ₹20 पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से 2 मीटर एक फुटपाथ है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, मीन्स बनाया गया है अराउंड द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1500 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 1500 मीटर है, इसके चारों तरफ ही एक 2 मीटर विड्थ का एक फुटपाथ बनाया गया है, तो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ और टेक पाई 3.14। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से एक फिगर बना के रखी है। मान लीजिए यहाँ पर ये ए ओ एक रेडियस है, जो ये पार्क है ए ओ रेडियस वाला, ये आप देख रहे हैं अंदर वाला सर्कल जो ये पार्क है, उसके चारों तरफ ये 2 मीटर विड्थ का ये जो विड्थ है इसकी, ये 2 मीटर है, ये एक फुटपाथ इसमें बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो हमें इस फुटपाथ का टोटल रेट मीन्स टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए, हम इसके अगर 2 मीटर विड्थ का है तो एक ये आउटर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, अगर आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो ये फुटपाथ का एरिया बचता है। तो पहले हमें फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए मैं लिख देता हूँ। देखिए सीधा यहाँ पर रेडियस ऑफ पार्क, ठीक है, रेडियस ऑफ पार्क यहाँ पर है इक्वल 1500 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हो गई। अच्छा, आगे रेडियस ऑफ पार्क विद फुटपाथ, यहाँ पे ये आ गई 1500 मीटर। ठीक है बच्चों, अब है हमें क्या निकालना है, फुटपाथ का एरिया निकालना है, तो सीधा हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फुटपाथ ऐसे, तो एरिया ऑफ फुटपाथ निकालें तो पाई। ठीक है बच्चों, आप देखिए बिग सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, स्मॉल का क्या होगा, वही होगा पाई आर स्क्वेयर। तो कहने का मतलब है बिग सर्कल का है तो मैं बिग आर लगा देता हूँ, और इसमें से माइनस करना है स्मॉल का, तो इसमें स्मॉल आर लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर हम कॉमन निकालें इसमें से तो पाई आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट और आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इस तरीके से। अभी पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, और यहाँ पर ये आर स्क्वेयर मीन्स बिग का है ये, तो यहाँ आ गया 1502, और यहाँ पे स्क्वेयर लगा देते हो माइनस, और यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल का मतलब 1500 स्क्वेयर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये इससे हमें क्या निकालना है, पहले एरिया निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको 1502 को पहले ही मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया था, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, थोड़ा टाइम बचा सकूँ मैं, तो वो आएगा बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ 2256004। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 1500 को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा और 40 आ जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो हमें इसको पहले माइनस करना है, बाद में 3.14 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब माइनस करते हैं तो बच्चों देखिए, यहाँ पर 225 और 225 है, ये 225 से 225 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बजाय 6004 माइनस करने पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों आप इधर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये देखिए मैं इसको 314 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो 4 4 16, 400 4 6 24। ठीक है बच्चों, 1 से करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट आएंगे, तो मैं इनको यूँ का यूँ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए 3 से कर लेते हैं, 3 4 12, यहाँ पर ये 12 आ गया, और 300 3 6 18, इस तरीके से। ठीक है, आइए ऐड कर लेते हैं 6 4 और 1 5,
यहाँ पर 2 आ गया, 4 और 1 5 और 6 और 2 8, ठीक है बच्चों, और 8 और 1, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया ये। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 1885256, और इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, फुटपाथ का। अब देखिए कोस्ट इसकी निकालनी है, ठीक है, तो कोस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर तो है ₹20, तो कोस्ट ऑफ अब 1885250, यहाँ पर इनकी कोस्ट निकालनी है, तो कोस्ट ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो भी ये डिजिट है उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 लगा दीजिए, अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा यहाँ पर 12 आ गया, साथ ही 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों, 2 5 जा 10 और 1 जो इसमें कैरी था 10 और 1 11 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी फिर 1 आ गया, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर 1 आ गया, 2 1 जा 2 और 1 3 यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन भी रीड करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में, ए बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है बच्चों, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करनी है स्पीड की, हमें साइकिल की स्पीड कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन 40, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो सबसे पहले डायमीटर इसमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ व्हील तो है 60 सेंटीमीटर, रेडियस हम जानते हैं, वी नो दैट रेडियस इज हाफ टू द डायमीटर, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ व्हील जो डायमीटर होता है उसकी ये हाफ हो जाती है, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 30 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब व्हील का जो रिवोल्यूशन है मिस, उसकी जो चारों तरफ की जो ये है ना टोटल लेंथ, ये हमें फाइंड आउट करनी है, मिस सरकमफ्रेंसेस फाइंड आउट करनी है, ये लिख लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे 2πr, ये इस फॉर्मूले से, तो 2π की जगह बच्चों यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये देखिए, और r है आपकी 30 और ये आ गई सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, मान लीजिए यही सरकमफ्रेंसिस आ गई है। अब बच्चों ये 1 रिवॉल्यूशन की है, ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, इक्वल 2 × 22/7 × 30, ठीक है, ये 1 रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर हो गई, तो डिस्टेंस इज कवर्ड इन, ठीक है, रिवॉल्यूशन टोटल कितने हैं, तो 140 थे, तो 140 में कितनी होगी, तो वो भी ज़्यादा होगी, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 1 मिनट का। अब साथ ही हम 60 मिनट का भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, आवर में हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर पहले डिस्टेंस इज कवर्ड इन 60 मिनट, ये 1 मिनट की है, तो 60 मिनट में क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं 60 से फिर इसको डिवाइड और सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 की 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल 0 है 1 2 3, ठीक है,
तो 3-0 में लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये 3-0 लग गई है। और इसको मल्टी देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है इंटू, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी होगी। आइए हम 36 और 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर इस तरीके से, तो 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, ठीक है बच्चों। और क्योंकि 4 से फिर करनी है तो वही आंसर आएगा, तो मैं इसे यूँ का यूँ लिख देता हूँ, तो 4 और 4 8 और 4 और 1 5 और 1, ठीक है बच्चों, इस तरीके से 1 5 8 4। और यहाँ पर 3 0 तो 3 0 हम लगा सकते हैं, तो ये आ गई सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, सॉरी मीटर आ गई है यहाँ पर, हाँ सेंटीमीटर आ गई, तो हम ये सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके हमें मीटर चेंज करने हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर और लिख लेता हूँ मैं, तो 1 5 8 4 0 0 0, ठीक है। अब इसके सेंटीमीटर के मीटर बना लो, तो स्मॉल यूनिट होती है सेंटीमीटर, हमें बिग यूनिट में लिखना है, तो पहले मीटर बनाए तो क्या हो जाएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दे, तो अब ये मीटर बन गए। साथ ही इसको अब किलोमीटर भी बना लेते हैं, तो 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर टोटल जीरो आ गई हमारे पास 5, तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमेटर के फॉर्म में लिखा है इसको हम इधर लिखेंगे इस तरीके से, और 50 तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं 15.84 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और इसमें से सीख कर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।